लैपटॉप मास्टर में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त निशांत आज फिर आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। आज हम लैपटॉप की अनबॉक्सिंग नहीं करेंगे, ना ही कोई रिव्यू करेंगे। आज हम बात करेंगे एसएसडी के बारे में। मेरे पास काफी रिक्वेस्ट आई थी कि एसएसडी के ऊपर एक वीडियो बनाने के लिए, तो आज मैं आपके सामने एसएसडी के बारे में बात करने के लिए आया हूं। देखिए, एसएसडी आज की डेट में वो पार्ट है एक लैपटॉप का या डेस्कटॉप का, जिससे लैपटॉप की स्पीड बहुत फास्ट हो जाती है, या हम ये कहें कि आज की डेट में लैपटॉप की स्पीड काफी हद तक एसएसडी पे डिपेंड होती है। पहले हम जिसको एसएसडी कहा करते थे, आज की डेट में हम उसको एसएसडी कहते हैं, सॉलिड स्टेट ड्राइव। दोनों में डिफरेंस होता है, थोड़ा सा डिफरेंस मैं आपको बता दूं। जो हार्ड डिस्क ड्राइव आती थी उसके अंदर लोहे की प्लेट्स होती थी, राउंड, जिसको प्लेटर्स कहते हैं, वो मूव करती थी और वो डाटा रीड करती थी। और जो एसएसडी है वो बेस होती है, जस्ट लाइक चिप बेस्ड एसएसडी आती है, जैसे पेन ड्राइव होती है जिसमें डाटा स्टोर होता है, लेकिन कोई भी स्पिंडल या कोई भी लोहे की प्लेट्स, मैग्नेटिक प्लेट्स नहीं होती है कि रीड करे उसको। एक चिप होती है जिससे वो डाटा रीड होता है। इसीलिए एसएसडी फास्ट होती है, क्योंकि जब आपने कोई सी भी डाटा पे क्लिक किया, वो डायरेक्टली वही डाटा पिक करेगी, प्लेट्स को मूव नहीं करेगी कि मूव करेगी और वहां जाके डाटा पिक्स करती है। इसी वजह से अगर मैं ये कहूं कि 6 to 7 टाइम्स एसएसडी फास्टर होती है नॉर्मल हार्ड डिस्क ड्राइव से। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे मार्केट में कितने टाइप की एसएसडी है। और मैं आपको ये बताऊंगा एसएसडी की टाइप्स के अलावा कि अगर आपका लैपटॉप एसएसडी वाला नहीं है, नॉर्मल हार्ड डिस्क ड्राइव वाला है, तो आप उसकी एसएसडी को कैसे अपग्रेड कर सकते हैं, आप उसको कैसे फास्ट कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत धमाकेदार होने वाला है, कहीं मत जाइएगा, वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आपकी एसएसडी से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स बिल्कुल दूर हो जाएगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये कहूंगा, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम लैपटॉप से रिलेटेड सारे जो भी लैपटॉप के नए नए मॉडल्स आते हैं, हम सबको अनबॉक्स करते हैं और बैक पैनल भी ओपन करके दिखाते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एसएसडी। देखिए, पहले मैं आपको बता दूं मार्केट में जो एसएसडी होती है वो कितने तरह की होती है। आज की डेट में 3 तरह की मार्केट में एसएसडी आपको मिल जाएगी। एक होती है साटा एसएसडी, दूसरी हम कहते हैं M.2 साटा एसएसडी। अगर आप कंफ्यूज ना हो तो आप सिर्फ उसको M.2 रखिए, एक साटा एसएसडी, एक M.2 एसएसडी, और तीसरी होती है NVMe। मेरे पास अभी मैं अगर आपको दिखाऊंगा आप देख भी सकते हैं, ये है NVMe एसएसडी और M.2 एसएसडी का भी साइज सेम यही होता है, सिर्फ कट्स का फर्क होता है। इस वाली एसएसडी में एक कट होता है और M.2 साटा जो एसएसडी होती है उसमें दो कट होते हैं। और एक अगर मैं बात करूं तो साटा एसएसडी की जो मैं आपको दिखाता हूं, ये करीब 3.5 इंच की एसएसडी होती है। नॉर्मली जो हमारी लैपटॉप की हार्ड डिस्क आती है उसी साइज की ये होती है। अब कौन सी हार्ड ड्राइव कहां यूज होती है वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले मैं आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि इनकी स्पीड्स का क्या होता है। देखिए, अगर हम एसएसडी की बात करें, साटा एसएसडी की, तो ये मैक्सिमम स्पीड आती है 600 Mbps की। और अगर हम M.2 साटा एसएसडी की बात करेंगे तो उसकी स्पीड भी इतनी ही होती है, 600 Mbps की, इससे ज्यादा नहीं होती है। लेकिन अगर हम NVMe की बात करेंगे तो ये 4000 स्पीड की भी आती है, यानी 4 GB/Mbps की। तो अगर हम बात करेंगे कि हम अगर अपग्रेड करते हैं, आप ये मत सोचिएगा कि आप लैपटॉप पे SSD अपग्रेड करने जाए तो आप कहेंगे NVMe लगा दीजिए। देखिए, हर लैपटॉप पे NVMe नहीं लगती है, हम यही बात करेंगे कि आपके लैपटॉप पे कौन सी लगती है। देखिए, अगर हम डेस्कटॉप की बात कर लेते हैं तो डेस्कटॉप के ऊपर NVMe हार्ड डिस्क से ज्यादा साटा एसएसडी लगती है, लेकिन आज की डेट में जो ऐसे वो आ रहे हैं हमारे डेस्कटॉप, उन सब में NVMe लग रही है। लेकिन अभी हम पुराने डेस्कटॉप और पुराने लैपटॉप की बात करेंगे, नए लैपटॉप की बात नहीं करेंगे, क्योंकि नए लैपटॉप के अंदर NVMe लग रही है जिसकी स्पीड 4 GB/s है और 5 GB/s है। लेकिन हम अभी बात करेंगे अपग्रेडेशन की, कि हमारे अगर पुराने लैपटॉप हैं जिनको हम अपग्रेड करना चाहते हैं, जिनकी स्पीड बहुत स्लो हो गई है। देखिए, 1.5 साल पहले जब विंडो 10 के अपडेट्स आए थे तो उन्होंने जितने भी हार्ड डिस्क ड्राइव के लैपटॉप थे उन सब की स्पीड्स को काफी स्लो कर दिया था। इसीलिए पिछले 1.5 से 2 साल से हमें हर लैपटॉप पे एसएसडी की जरूरत पड़ती है।
मेरे पास बहुत लोग आते हैं, कहते हैं पहले तो बहुत सही चलता था लैपटॉप, लेकिन आज की डेट में हमारा लैपटॉप बहुत स्लो हो गया है। विंडो 10 पहले भी थी, अब भी है, लेकिन पहले से ज्यादा अब इतना स्लो हो गया है। लेकिन जो, क्योंकि जो अपडेट्स नए नए आए हैं उन्होंने आपके लैपटॉप की स्पीड को स्लो कर दिया, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट SSD की है। तो दोस्तों आप ये मत सोचिए कि हमारा वो लैपटॉप बेकार हो गया, वो लैपटॉप बेकार नहीं हुआ है, आप उसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं। अगर आपका लैपटॉप बिल्कुल सही है तो आपको जरूरत नहीं है कि आप जाके नया लैपटॉप लीजिए, आप उस लैपटॉप की भी स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम उन लैपटॉप की स्पीड को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। देखिए हम देखते हैं जो पुराने लैपटॉप हैं, जो आज से 3 से 4 साल पुराने लैपटॉप हैं, उनके अंदर M.2 SATA स्लॉट नहीं आता था, सिर्फ और सिर्फ हार्ड डिस्क ड्राइव स्लॉट आता था, जिनपे हार्ड डिस्क ड्राइव लगी होती थी, वो इसी साइज की लगी हुई होती थी, इसी साइज की हार्ड डिस्क ड्राइव आपको मिलती थी मार्केट में, और इसी साइज की हार्ड डिस्क ड्राइव लगी भी होती थी। अब आपका लैपटॉप है अगर हार्ड डिस्क ड्राइव वाला, तो आप अपग्रेड करेंगे और उसमें कौन सी हार्ड ड्राइव लगेगी, क्योंकि मैं एक पर्सन को जानता हूं जो अपग्रेड करना चाहते थे लेकिन उन्होंने किसी से कंसल्ट नहीं किया और किसी से पूछा कि सबसे फास्ट हार्ड डिस्क ड्राइव कौन सी है, किसी ने कहा दिया NVMe होती है, तो उन्होंने मार्केट से NVMe हार्ड डिस्क खरीद ली SSD और उसको अपग्रेड कराने चले गए, लेकिन उनके लैपटॉप के अंदर पोर्ट ही नहीं था NVMe SSD का। इसलिए मैं आपको यही कहूंगा कि आप अननेसेसरी अपना खर्चा ना करें अगर आपका 3 से 4 साल पुराना लैपटॉप है। अगर मैं ये कहूँ 2021 से पहले के जितने भी लैपटॉप थे मोस्टली उनमें हार्ड डिस्क ड्राइव आती थी, अगर आपको 2020 से पहले के अगर आपको अपग्रेड करना है तो आप मार्केट से SATA हार्ड डिस्क ड्राइव खरीदिएगा। अगर हो सके तो आप किसी को चेक करवा लेगा ज्यादा बेटर रहेगा, अगर आपने नहीं कराना तो सिंपल हार्ड डिस्क SATA हार्ड डिस्क ड्राइव आपकी लग जाएगी। M.2 SATA मत खरीदिएगा, 3.5 इंच की SATA हार्ड डिस्क ड्राइव खरीदिएगा। आप किसी भी कंपनी की ले सकते हैं, मोस्टली सभी कंपनीज की जिसकी भी मैक्सिमम स्पीड है वो 600 Mbps ही होगी, और आप किसी भी कंपनी की लेंगे उनकी हार्ड डिस्क उनकी स्पीड नॉर्मल हार्ड डिस्क ड्राइव से ज्यादा ही होगी। देखिए जब आप मार्केट में इंजीनियर के पास जाएंगे तो वो क्या करेगा, आपकी जो पुरानी हार्ड डिस्क ड्राइव लगी हुई है उसको लगे रहने देगा। अगर आप ये कहेंगे मुझे वो वाली हार्ड ड्राइव भी चाहिए और नई SSD भी चाहिए, तो वो उसको लगे रहने देगा। और ये मार्केट में एक कैडी आती है जिसको हम कैडी के नाम से जानते हैं, वो क्या करेगा, नॉर्मल DVD राइटर जो आपको लगा हुआ होगा आज की डेट में वो यूज नहीं करते लोग, उसको रिमूव कर देगा और ये कैडी को लगा के नई जो SSD है वो इसमें लगा देगा। लेकिन मैं ये कभी भी आपको प्रेफर नहीं करूंगा कि आप इसके अंदर SSD लगाएं, इससे बेटर ये होगा आप इसके अंदर पुरानी हार्ड डिस्क ड्राइव लगाइए, क्योंकि इसमें कभी कभी कनेक्शन लूज हो जाते हैं, तो बार बार आप काम कर रहे होंगे और आपका कनेक्शन लूज हो गया तो वो जब भी लैपटॉप आपका बंद हो जाएगा और आपका जो डाटा अनसेफ डाटा होगा वो टोटल आप लॉस कर देंगे, कभी कभी विंडो भी करप्ट हो जाती है। तो जब भी आप SATA SSD लें, आप SATA SSD को करंटली जिस पोर्ट के अंदर जिस स्लॉट के अंदर हार्ड डिस्क ड्राइव लगी हुई है ये उसमें इंस्टॉल कराएं, और जो उसके अंदर हार्ड डिस्क ड्राइव है वो इस कैडी के अंदर लगा के जहां पे DVD राइटर लगा हुआ है वहां पे लगवा लें। इससे क्या होगा, कभी भी आपकी विंडोज कभी भी क्रैश इजिली क्रैश नहीं करेगी, क्योंकि जो पुराना स्लॉट होता है वो काफी फिक्स होता है और वहां पे डाटा कनेक्शन लॉस नहीं होता। हाँ एक चीज और मैं बता दूं, जब आप कैडी पे लगाएंगे तो ये पॉसिबल है अगर आप काफी यूज करेंगे उस नॉर्मल अपनी हार्ड डिस्क ड्राइव को, वो कभी बार बार कनेक्शन छोड़ने की वजह से डाटा लॉस उसमें हो सकता है, इसीलिए आप अपनी पुरानी हार्ड डिस्क ड्राइव को इसमें लगाइए और उसका डाटा को आप कहीं ना कहीं सेव करके रखिए, या जो आपका इंपॉर्टेंट डाटा है वो आप SSD में शिफ्ट कर लीजिए या क्लाउड स्टोरेज पे डाल लीजिए, लेकिन आप अपने बहुत प्रीशियस डाटा को आप पुरानी हार्ड डिस्क ड्राइव में मत रखिएगा, अपना नॉर्मल SSD जो आपने लगाई है SATA SSD या क्लाउड पे आप शिफ्ट कर सकते हैं। ये तो थी जो हमारे पुराने लैपटॉप्स हैं जिनमें हार्ड डिस्क ड्राइव लगी हुई है उनके लिए। अब बात करेंगे वो लैपटॉप जो आज से 2 साल पुराने हैं जिनके अंदर M.2 स्लॉट आता था हार्ड डिस्क ड्राइव के साथ, उनके लिए क्या है, उनके लिए मार्केट में M.2 SATA SSD अवेलेबल है जिसका यही साइज होता है, बस फर्क क्या होता है जैसे इसमें एक कट लगा हुआ है जिसको नोच भी कहते हैं, उसमें 2 कट्स होते हैं, वो M.2 SSD होती है। जो M.2 SATA SSD होती है उसकी स्पीड भी नॉर्मल SSD जो नॉर्मल SATA SSD होती है 3.5 इंच की, उसी के इक्विवेलेंट होती है, लेकिन
इसका साइज छोटा होता है। क्या था, जब आज से 2-3 साल पहले कंपनीज ने सोचा कि अब हमें एसएसडी ही लेके आनी चाहिए, तो उन्होंने हार्ड डिस्क के साथ साथ, क्योंकि उस टाइम पे जो एसएसडी आती थी वो बहुत कॉस्टली थी, इसलिए एंट्री लेवल या मिड लेवल के लैपटॉप में एसएसडी अगर फिक्स करते तो कॉस्टिंग उसकी काफी बढ़ जाती थी। इसलिए जो प्रीमियम लैपटॉप आते थे, जैसे अगर मैं बात करूं तो डेल के अंदर एक्सपीएस या एचपी के अंदर स्पेक्ट्रा, या अगर हम लेनोवो की बात करते हैं योगा स्लिम, इनके अंदर ही सिर्फ एनवीएमई एसएसडी आती थी। लेकिन वो क्या करते थे, अपने i3 i5 के लैपटॉप के अंदर हार्ड डिस्क लगाने के साथ साथ एक छोटा स्लॉट दे देते थे M.2 SATA का। तो अगर आपका लैपटॉप 2020 से लेके 2022 के बीच का है और उसमें हार्ड डिस्क ड्राइव लगी हुई है, तो आप हार्ड डिस्क ड्राइव खरीदने से पहले मार्केट में जरूर चेक करिए, करवाइएगा कि आपके लैपटॉप में SATA M.2 का स्लॉट है या नहीं। अगर M.2 SATA का स्लॉट होगा तो आपको डीवीडी राइटर रिमूव करने की जरूरत नहीं होगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपकी करंट की एसएसडी लगी रहेगी और मार्केट में आप M.2 SATA एसएसडी लेके आप इजीली उस लैपटॉप में इंस्टॉल कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। ये हमने बात करी दो हार्ड ड्राइव की, SATA एसएसडी जो 3.5 इंच की होगी और M.2 SATA। ये याद रखिएगा M.2 के लिए आपको पहले पोर्ट चेक करना बहुत जरूरी है, ये हर लैपटॉप में नहीं आती थी पुराने लैपटॉप पे जिसमें हार्ड डिस्क ड्राइव लगी हुई होती थी। अब हम बात करते हैं NVMe की। देखिए NVMe और M.2 SATA दोनों का लुक बिल्कुल सेम होता है, जैसा कि पहले वीडियो में मैंने बताया, सिर्फ दो कट्स का फर्क होता है। ये याद रखिएगा, अगर आपके लैपटॉप में NVMe का स्लॉट है तो उसमें M.2 SATA इजीली लग सकती है, लेकिन जिसमें M.2 SATA का स्लॉट है उसमें NVMe SSD बिल्कुल भी नहीं लगेगी, क्योंकि NVMe में एक कट होता है और जैसे आप ये देख रहे हैं इसमें एक कट है और M.2 SATA में दो कट होते हैं, दो कट में आप ये लगा ही नहीं पाएंगे। और वैसे भी अगर आपका NVMe स्लॉट है तो मैं यही कहूंगा आप NVMe SSD ही लगाइएगा, क्योंकि इसकी स्पीड नॉर्मल SATA SSD से 6-7 टाइम्स ज्यादा होती है और मोर रिलायबल होती है। तो दोस्तों मुझे नहीं लगता इस वीडियो को देखने के बाद आपकी कोई आपका कोई माइंड में कंफ्यूजन रह गया होगा। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, कहीं ना कहीं मैं कुछ मिस करना भूल गया हूं तो आप मुझे जरूर बताइएगा, नेक्स्ट टाइम के लिए मैं जरूर से इंप्रूव करूंगा। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा, और हाँ अभी तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ऐसी नई नई इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में नए लैपटॉप के साथ। थैंक यू।